कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने की कवायद अब तेज होती नजर आ रही है और इसी को लेकर चंडीगढ़ में कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक भी हुई। कमेटी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कुल 6 सदस्य हैं। वहीं बैठक शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की समन्वय समिति की बैठक में हम अपने नेताओं की राय लेंगे और ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है। साथ ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव समेत सभी चीजों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगे कहा कि हम लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उपचुनाव में कांग्रेस सभी 6 विधानसभा सीटें जीतेगी। जो भी राजनीतिक परिस्थिति है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव, सबको लेकर रणनीति बनाएंगे। सर, प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वो नहीं लड़ना चाहती है। आपसे कहा है उन्होंने? ठीक है, हम बात करेंगे। एक सर, एक अहम सवाल है सर कि कांग्रेस के कई नेता हैं जो बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, आपके बाईपोल्स भी उस नतीजे पे आ रहे हैं। बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं? बीजेपी वाले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं। ये चुनाव वक्त होता है, बीजेपी वाले छोड़ के कांग्रेस में आते, कांग्रेस वाले बीजेपी में जाते, दूसरी पार्टी में इधर जाते उधर जाते, जिनको ये उलट पलट चलता रहता है हर चुनाव में। अब देखिए सर, बिट्टू साहब हैं या फिर हम बात करें आज सुशील कुमार रिंकू हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी एक्स कांग्रेस से, किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट? देखिए, भाजपा में तो कोई नेता थे ही नहीं दम वाले, तो कांग्रेस से लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास तो कोई नेता किसी दम के है नहीं, तो कांग्रेस वाले हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस इतना विशाल समुद्र है, यहाँ खूब नेता है और हमारे तो सर, क्या तैयारी है चुनाव की, क्योंकि काफी उठा पटक हुआ है हिमाचल प्रदेश में, लोकसभा की क्या तैयारी है सर? रास्ता छोड़ दो। लोकसभा की पूरी तैयारी है, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। चुनावों के समय लोकसभा की तैयारी और किस तरह लोकसभा का चुनाव लड़ना है, ये सब चीजें पूरी है। नहीं, आपको लगता है कि जो 6 बाईपोल्स हो रहे हैं, वो 6 के